पूजनीय संत समाज, साध्वी समाज उपस्थित, भक्त प्रेमियों, माता बहनों, अभी हम बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। जीवन सुंदर बनाने के लिए, सुधारने के लिए ये ज्ञान विचार दवा है। दवा जब तक खाई नहीं जाएगी, भीतर नहीं जाएगी, लाभ नहीं मिलेगा। न जाने कितनी दवाएं हैं, बीमारी भी तो बनी रहती है, क्योंकि उसका हम पान नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, सही दवा की पहचान नहीं हो पाती है। सत्संग में आकर के हमें चुनाव करना है, सुन करके चुनना है कौन सी दवा हमें काम करेगी। ज्ञान, ये सत्संग रूपी दवा, हमारे अंदर जो बीमारी है, दुख, परेशानी, आदत, चिंता, ये जो हमारे पास बीमारी है, ये कैसे जाएगी, जिसकी वजह से हम घर में, समाज में, बाजार में परेशान रहते हैं, सोते समय भी नींद नहीं आती है, वो कौन सी बीमारी है। इन सब बीमारियों का निदान सद्गुरु कबीर के विचारों में है। अभी श्रवण कर रहे थे, सद्गुरु अभिलाष साहब जी का ग्रंथ पढ़ें, बहुत सरल सुगम ग्रंथ है, सबके लायक है, इतना बोधगम्य है कि आप घर घर बीजक रखें, उनके और बहुत सारे ग्रंथ हैं रखें, और कुछ समय निकाल कर नियमबद्ध पढ़ें, मन की शांति के लिए, दिमाग को ठंडा करने के लिए, परिवार में अच्छे ढंग से हम रह सकें, इसके लिए पावर और टॉनिक समझ करके ग्रंथों का अध्ययन करें। 5 मिनट ही सही, नहा धो करके मंदिर जाना सरल है, पर ग्रंथ पढ़ना कठिन हो जाता है लोगों को। उससे कहीं अच्छा अपने घर को ही मंदिर समझ करके और बैठ जाएं, ग्रंथ उठाएं, पन्ना पलटें और ध्यान से पढ़ने लगें। 5 मिनट ही सही, एक पन्ना समाप्त होगा, आपको पता चलेगा कि बहुत से नुक्से हमें मालूम हो गए कि हम कैसे शांति से रहें। सद्गुरु कबीर मार्ग और उनका जो विचार है, उनकी जो युक्ति है, बहुत गंभीर और जीवन में धारण करने लायक है। वे ऐसे चिकित्सक हैं, ऐसे सर्जन हैं, एक वैज्ञानिक हैं कि नई चीज देते हैं, हमको नई आंख देते हैं, परखने की आंख देते हैं। समाज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें धुंध छाया हुआ है, पहचान में नहीं आ रही हैं, भ्रमपूर्ण हैं, दुविधापूर्ण हैं, सद्गुरु कबीर उसके लिए पारख यंत्र देते हैं। सबके अंदर वो यंत्र है, बस वो उसको आविष्कृत करते हैं, उसका पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। बस उनकी बातों को समझें, अपने अपने पारख शक्ति का पर्दा हटाएं, और वो आप परखने की शक्ति जागृत हो जाएगी। सदियों से हमें सही बात के लिए धमका दिया गया है, डरवा दिया गया है, और बाध्य कर दिया गया है कि तुम आगे नहीं बोल सकते। देवी देवताओं के नाम पर, ईश्वर परमात्मा के नाम पर, बड़े बड़े अवतारी भगवानों के नाम पर,
इतना डरवा दिया गया है, ग्रंथ में लिख दिया गया है, शास्त्रों में लिख दिया गया है, उसको पढ़ करके सुन करके कथाकारों के जुबानों से सुन करके इतना हम भयभीत हैं कि भला कह सकते हैं कि नहीं नहीं आत्मा ही परमात्मा है, मेरे सिवा और कोई भगवान नहीं है, ऐसा हिम्मत है? तमाम कुरीतियों में फंसे पड़े रहते हैं, अपने अनमोल समय को नष्ट करते रहते हैं, सब कुछ सुनते हैं रात दिन, माता पिता देवता हैं, गुरु देवता हैं, संत देवता हैं, कर्म प्रधान है, उसी का फल मिलता है, लेकिन भीतर इसका प्रयोग करते हैं कोई असर नहीं दिखता है। उन्हीं आदतों में, उन्हीं कुरीतियों में, उसी भय में हम, क्योंकि नास्तिकता का भय है ना, ग्रंथों में लिख दिया गया, डरवा दिया गया, तो हमारी हिम्मत ही नहीं है। जात पात के नाम पर डरवा दिया गया, और भी न जाने कितनी बातों में हमें ऐसी धमकी दी गई, जैसे कोई आजकल बड़े दादा लोग होते हैं और वो समाज को ऐसा डरवा करके रखते हैं कि मेरे खिलाफ अगर बोलोगे ना, कोई कदम उठाओगे तो समझ लो फिर बच के नहीं जा सकते हो। ऐसे ही कुछ धार्मिक लोगों ने ऐसा धर्म के क्षेत्र में डरवा दिया गया कि हम उसके सिवा, उसके खिलाफ और कुछ बोल नहीं सकते, समाज दबोच लेगा और हमें ऐसा परेशान करने लगेंगे। मजबूर होकर के भीतर ये बातें सब बैठ गई हैं कि नहीं नहीं जो कुछ करता है भगवान मालिक ही करता है। पत्थर की पिंडियों के सामने जा करके हाथ पैर जोड़ने से वही आशीर्वाद मिलेगा, वही शांति मिलेगी। संत महात्मा तो ठीक है, आ जाते हैं, उनकी बातें सुन लेना चाहिए, भजन सुन लेना चाहिए, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, कुछ ऐसी सरल बातें सुन लिए बैठ करके, नहीं, हमें जगना है। सद्गुरु कबीर कहते हैं पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भीन, परख करके चले बिना, परख करके माने बिना हमारा विनाश हो रहा है, हमारे सच्चाई का, हमारे धर्म का, हमारे सुख का, हमारी शांति का, हमारे आत्मिक गुणों का खात्मा हो रहा है, इसलिए परख परख करके चले। पारख बिन परिचय नहीं बिन सत्संग न जान, परख के बिना परिचय भी नहीं होता, किससे परिचय नहीं, सच्चाई से, इसलिए परखें, परख परख करके चलना सीखें बंधुओं। हम आंख मूंद करके मानना सीख लिए हैं, आंख मूंद करके चलने में, मानने में, देखने में कुछ पता नहीं चलेगा, समय बीत जाएगा, समय बड़ा अनमोल मिला है। कैसे लोग हमको धमकी दे करके इतना कमजोर बना देते हैं और हम दुखी और मासूम बन जाते हैं, अनाड़ी बन जाते हैं, कैसे दुख भोगते हैं, एक उदाहरण सुनाता हूँ। एक नौजवान शादी नहीं किया था, परदेश से उसका मित्र बचपन का आया, वो शादी कर चुका था, उसके पास बच्चा भी था 5 वर्ष का, साथ में ले करके आया था, परदेश से लौटा था बहुत दिनों में, गांव आया था, अपने मित्र से मिला जो शादी नहीं किया था। उसे क्या पता कि मेरा मित्र अभी शादी नहीं किया, 30-35 साल का हो गया। नमस्कार हुआ, कुशल मंगल हुआ, परदेश वाला नौजवान कहता है, अरे भाई साहब, मित्र जी, भाभी कहाँ है? बोले, पागल हो गए हो, मैं शादी नहीं किया हूँ, भाभी को पूछते हो? आश्चर्य लगा उसे कि मेरे पास 5 वर्ष का बच्चा है, अभी ये शादी नहीं किया, अब मुझसे बड़ा भी है उम्र में। उसने कहा, कारण क्या है, क्यों शादी नहीं की, कुछ तो कारण है। उन्होंने कहा, देखो मैं सच बताता हूँ, तुम मित्र हो, मैंने
समाज में संसार में देखा कि स्वतंत्र रहने में ज़्यादा अच्छा है, और शादी करके इन स्त्रियों के जाल में फंस करके उनके धौंस और धमकी सह करके उनके पीछे पीछे नाचना अच्छा नहीं, तो ये मेरे बस का नहीं है, मैं उनकी डांट डपट और उनकी ये आज्ञा में नहीं चल सकता हूँ। सब उनकी डर में चल रहे हैं, मैं उनका गुलाम नहीं बन सकता हूँ। उसने कहा, गजब के आदमी हो, अरे तुम पुरुष हो, बुद्धिमान ज्यादा हो, थोड़ा सा बुद्धि तो लगाइए। ऐसी धौंस, ऐसी डर और ऐसी धमकी दीजिए कि आपके पीछे पीछे वो नाचती रहे। कहीं अगर ऐसा संभव है तो बताइए, फिर कहीं रिश्ता जोड़िए। तैयार हो? ठीक है, तैयार हूं। तो मित्र जी ने एक जगह रिश्ता जोड़ दिया, कान में बता दिया कि इस तरह करना दो शब्द का मंत्र होता है। मंत्र दे दिया कि जब शादी करके लाना पत्नी को, और पहले ही दिन ऐसी धमकी देना, ऐसा डरवा देना कि फिर कभी उबर ना सके, वो आपके सामने बात ना कर सके, ऐसा डरवाना। वो कैसे? वो एक मंत्र था, नहीं तो बस इतना ही बोलना है, ज्यादा नहीं। वैसा ही किया, कान में बताया था वो मंत्र। पत्नी आई, पहले दिन से मित्र की बात याद किया। सुबह हुई, शौच मैदान निपट करके आया, बाथरूम में गया, गर्म पानी करके ला, नहीं तो नहाने के लिए उसने कहा, गर्म पानी करके ला, नहीं तो जल्दी से वो औरत गर्म पानी करके लाई। सोचा कि मेरे पति का मूड गर्म है, थके माने होंगे, तो भाई मैं पत्नी हूँ और वो पति परमेश्वर हैं, तो उनका आदर करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, जल्दी से पानी देती है। नहाए धोए, फिर कहते हैं जल्दी से नाश्ता बना के ला, नहीं तो सोचा, अरे अभी भी दिमाग की गर्मी नहीं उतरी है, आखिर मुझसे क्या भूल हो गई है, नहीं तो ये क्या करें, नहीं तो मारने लगें, नहीं तो ये घर से मुझे बाहर कर दें, नहीं तो क्या करें, नहीं तो के आगे तो बहुत अर्थ है, पता नहीं क्या कर डालें। हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की, फटाफट नाश्ता तैयार किया और विनम्रता से जाकर नाश्ता दिया, नाश्ता करके ड्यूटी चला गया। शाम को आया और फिर वही क्रियाकलाप, वही बाणी, जल्दी से मुझे बिछौना लाओ, बिछाओ, नहीं तो, ये उनका क्रम चालू हो गया। चार बार, दस बार हुआ, वो सहती रही कि अब ठंडाता है इनका दिमाग, अब मीठा बोलते हैं, अब पति की तरह रहते हैं, लेकिन वो आने का तो नाम नहीं। दो चार दिन के बाद उसके दिमाग में पत्नी के बैठने लगा कि लगता है मेरी किस्मत, मेरा भाग खराब हो गया। अब और धीरे धीरे वो कोसने लगी, उसके दिमाग में घुन बैठ गया कि मेरा दुर्भाग्य है, ये तो जानवर मिल गया, इसके साथ निर्वाह करना तो बड़ा मुश्किल है, अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे मारने लगे, अगर मैं घर छोड़ के जाती हूँ नैहर तो अपने पिता के लिए भार बन के रह जाऊंगी, माता पिता की इंसल्टी होगी, क्या करूँ, कुछ कहते नहीं बनता। सीधी सादी औरत थी, बहुत चिंता में ग्रस्त हो गई, धीरे धीरे रोगी हो गई, पीली पड़ गई, कमजोर हो गई। इतनी सुंदर लड़की, खूबसूरत, लेकिन वो सुखा करके तो काटा हो गई। एक दिन घर से बाहर निकली, महीनों बीत गए थे, तो पड़ोस की एक औरत जो उससे उम्र में ज़्यादा थी, पुरानी थी और बहुत समझदार थी, बुद्धिमान थी, वो देखा, उसे बड़ी दया लगी,
जा करके पूछा कि अरे छोटी, ये क्या हुआ तुझे? कौन सी बीमारी तुझे पकड़ लिया? कहाँ थी अभी तक? उसने कहा, दीदी जी, पता नहीं क्या हो गया मुझे। लेकिन आखिर बात क्या है? क्यों तू आखिर उदास है, चिंतित है, रोगी बन गई है? सारी राम कहानी सुना दी, अपना हित ऐसी समझ करके उसकी मीठी बाणियों में कि आज पहली बार मेरा कोई दर्द सुनने के लिए है ससुराल में। उस बड़ी जेठानी से, पड़ोसिन से उसने सारी दास्तान बता दी कि मेरे पति इस तरह कहते हैं। पड़ोस की औरत बुद्धिमान थी, उसने कहा, अरे पगली कहीं की, अरे तेरा पति तो वहां भोदा है, भोला भाला है, बेकूफ है, मैं जानती हूं उसे बचपन से, उसे पूछ क्यों नहीं लेती है कि नहीं तो क्या करोगे? पूछ के देखी है कभी? कहीं नहीं, ये तो कभी नहीं पूछी हूं। कहीं वो मारने लगे तो कोई बात नहीं, मार लेना, एक दिन में मर जाना अच्छा है, तू महीनों से मर रही है, ये ठीक नहीं है, तो जरा पूछ कर देखो, हिम्मत करो, हिम्मत के बिना ये कोई काम होने वाला नहीं है। भय को भगाओ, डर को भगाओ, हिम्मत लाओ, साहस लाओ। तब उसे साहस आया, जब किसी ने हिम्मत दिया, जामवंत जैसे हनुमान जी को हिम्मत दिया था। वो कहानी याद करो, जब सीता की खोज के लिए एक सभा बैठी थी, कौन समुद्र लांघ करके सीता का पता लगाएगा? बड़े बड़े सभा में धुरंधर लोग बैठे थे, सूरवीर बैठे थे, पुराने लोग बैठे थे, सब चुपचाप बैठे थे, उदास सिर नीचे किए, कौन समुद्र लांघेगा? अंगद हिम्मत करके बोले कि भाई मैं जा तो सकता हूं, पर वापस नहीं आ सकता हूं। कहीं चुप रहो, फिर बैठो, तुम्हारा काम नहीं है। इतने में जामवंत बूढ़े बाबा उठे और हनुमान जी की ओर इशारा करके कहे, तो क्या चुप साध रहा बलवाना? अरे क्या तुम चुप्पी साध करके चुपचाप उदास बैठे हो? तुम तो महाबलवान हो, तुम अपने बलवत्ता को, अपने बल को याद करो। कहा जाता है हनुमान जी तब उसी समय गर्जना करते हैं और फिर समुद्र लांघ जाते हैं, सुमेर पर्वत पर चढ़ करके समुद्र को लांघते हैं। कथा कुछ ऐसी है, मतलब कि जामवंत बाबा ने याद दिलाया हनुमान जी को, तब सीता का पता लगा। ऐसे ही जामवंत, ये संत भगवान जामवंत हैं, सीता का पता लगाना है ना। सीता, वो राम की पत्नी सीता की बात रहने दीजिए, यहाँ शांति रूपी सीता का पता लगाना है। सबकी शांति खो गई है समुद्र पार लंका में, उसे वापस लाना है। शांति के बिना बेचैनी है, सबकी नींद हराम है, यहाँ जीना निरर्थक हो रहा है। शांति के साथ सोना जागना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो शांति देवी के लिए कोई प्रयास नहीं है। सब ठंडे बैठे हैं, खाने पीने सोने जागने में समय दे देते हैं। शांत की रक्षा करो। अरे ये घर वाली पत्नी की तो रक्षा हो ही जाती है, पति की रक्षा कर लेते हैं। ये देवियां भी गरम गरम बना के पति के लिए खूब सेवा कर देती हैं, ये पति लोग भी खूब कमा कमा के देवियों की सेवा कर देते हैं, पर दोनों देवी देवताओं को शांति की जरूरत है। दोनों अलग ध्यान करके बैठें, एकांत में बैठें, ध्यान चिंतन करें और शांति को बुलाएं, शांति को मजबूत करें, शांति को प्रसन्न करें, शांति का दर्शन करें। तब देखो वहां पर आत्म साक्षात्कार होगा, आत्म जागृत होगी और आपको बल मिलेगा दुर्गुणों को भगाने के लिए, शांति के विरोधी रावण को भगाने के लिए वो ताकत आएगी। तो कहानी कहती है, जब वो पड़ोसिन औरत ने उसे जगाया, बताया कि जरा पूछो तो,
तो जाती है घर, ठीक है बहन मैं पूछती हूँ। गई घर, रोज की आदत थी पुरुष महोदय की, पति महोदय की, सुबह होता है जगता है और खटपट जा करके बाहर से शौच मैदान निपट करके आता है, कहता है गर्म पानी लाओ नहीं तो। तब उस दिन तैयार पहले से थी श्रीमती जी और खड़ी हो गई, नहीं तो क्या करोगे महाशय। तब सोचा कि अरे अब उसकी तो पैर की धरती सरक गई, आगे वाला मंत्र कुछ बताया ही नहीं मेरा दोस्त, अब मैं क्या करूं। अब इधर उधर देखता है, नहीं तो क्या, पत्नी ने कहा नहीं तो क्या करोगे बताओ, दो तीन बार जब पूछा बताओ ना नहीं तो क्या करोगे, तब कहता है नहीं तो ठंडे पानी से नहा लूंगा फिर। तो भाई बहुत धमकी मत देना भाई, नहीं ठंडे पानी से लोग नहलाएंगे। तो किसी को धमका करके डरवा करके रखना ये ठीक नहीं है, व्यवहारिक क्षेत्र में भी समरसता होनी चाहिए, सब प्रेम से रहें, सब एक दूसरे के हमदर्द बन के रहें, दुख में शामिल हों और दुख दूर करने की का भाव रखें। धर्म के क्षेत्र में भी ये हमें होश में आना है, पुरा काल से ग्रंथों के माध्यम से हम डरे हुए हैं, कुछ गलत सड़ी गली बातों को दिमाग में लादे हुए हैं, उसी को मानते हुए चले जा रहे हैं। कब तक आंखें ये गलत बातें मानते रहेंगे, दिमाग में भार रखे रहेंगे। दिमाग को हल्का बनाओ, दिमाग को जागृत करो। जागृत पुरुष आखिर किसे हम कहें, जब अंधविश्वास नहीं छूटता है, कोई दुर्व्यसन नहीं छूटता है, आत्मज्ञान नहीं हो रहा है, बुरे कर्म नहीं छूट रहे हैं, फिर हम जागृत कैसे बन सकते हैं, कैसे कहला सकते हैं। हम तो सो ही रहे हैं ना, हमारी ये निद्रा भंग तो नहीं हुई है। मोह निशा सब सो अनहारा, जागहि देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। सब मोह निद्रा में फंसे हुए हैं, तमाम सड़ी गली बातों के प्रति भी मोह है, ये हमारे पुरा काल से चले आ रहे हैं ये बातें। हमारे बाप दादा ने यहाँ पर दीपक जलाया है, वहाँ पर हाथ जोड़ के बैठा है, ये छड़ी उनकी है इसीलिए पूजने योग्य है, ये त्यौहार हमारे पुराने समय से चला आया है, हमारी दादी ने ये मंदिर बनवाया है इसलिए इसमें जा करके पूजा पाठ करना सार्थक होगा, जीवन सफल होगा, गंगा में नहाने से ही मुक्ति मिलेगी, चारों धाम बिना करे जीवन निरर्थक हो जाएगा, भगवान ऊपर रहता है। कबीर पंथियों में तो कहते हैं सत लोग बिना गए ठीक नहीं है भाई, ये बिना कर्मकांड किए सतलोक में पहुंच ही नहीं पाएंगे। सतलोक कहाँ है, ये पांचवें तपक सातवें तपक की बात कब तक करते रहेंगे हम। तो भाई प्राणी पदार्थों में और अंधविश्वासों में कब तक हम भटकते रहेंगे, साधना करनी है, अपने मन की साधना करनी है। मन का ही सारा उपदेश होता है, जो भी सत्संग होता है संतों का गुरुजनों का, मन को साधने के लिए होता है। क्या हम मन को साधना में रखते हैं, मन की साधना कुछ करते हैं, मन में जो दोष है, जो भ्रम है, जो विकार है, उलझने हैं, क्या उसको दूर करने के लिए हम कुछ उपाय मेहनत करते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं। बीमारी आती है तो डॉक्टरों के पास जाते हैं, सामान बिगड़ता है तो इंजीनियरों के पास और मिस्त्रियों के पास जाते हैं, गैरेज में डाल देते हैं गाड़ी को, सब तो सोचते हैं, लेकिन हमारा मन शांत रहे, ठीक ठाक रहे, ऐसा कभी हम सोचते हैं, कितने लोग इसमें समय निकालते हैं, बहुत कम लोग होंगे। सब कुछ ठीक है, आखिर हम बेचैन क्यों जीते हैं, पैसा भी है घर में, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, कपड़े लत्ते खूब हैं घर में, वस्तु की कमी नहीं है, फिर भी मन बेचैन है, नींद नहीं आ रही है,
ऐसा क्यों हो रहा है? क्या खोजे हैं इस पर कभी? रोशनी कोर्ट किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मीलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेला सभी दिलों में है। अंधेला मिटाना है दिल का, बाहर की रोशनी से हमें प्रेरणा लेने के भीतर भी रोशनी पैदा करें। भीतर तो अंधेला है, बाहर की रोशनी क्या करेगी? तो सदगुरु कहते हैं जागृत बनो, परख परख करके हम बुराइयों से भागें और आत्मचिंतन में लगें। बैठ करके सुबह शाम कम से कम 2 मीटिंग सब काम को छोड़ करके जब हम एकांत में बैठेंगे, जो कुछ ज़िंदगी में हम समझते हैं कि ये ज्ञान संतों का है, इसे हम सुने हैं, बैठ करके प्रयोग करें। पहली बात तो बैठने का बड़ा आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, फिर मन को आप देखेंगे, संतों की बात याद आएगी। आपके बच्चे भी देखेंगे, बड़ी प्रेरणा पाएंगे कि हाँ, हमारे घर के माता पिता कुछ कर रहे हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी, ये बात दूर तक फैलेगी। और ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं तो आपको पहले नंबर का लाभ मिलेगा। दूसरों को तो मन की एक प्रेरणा मिलेगी, एक भाव जगेगा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। ऐसा नियम बना लें, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, नियम प्रेम को जगाएगा, आपके अंदर प्रेम पैदा होगा कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो प्रेम फिर स्वर्ग है। सदगुरु अभिलाष साहब कहते हैं अनासक्ति में मोक्ष है, प्रेम में ही स्वर्ग है। प्रेम से जीने की कला सीखें तो प्रेम जग जाएगा। जैसे प्रेम जगेगा, स्वर्ग मानो उपस्थित हुआ, उसी समय आत्म साक्षात्कार भी होगा, आत्मचिंतन भी होगा, तो आत्म लाभ मिलेगा हमें। तो इस तरह से धीरे धीरे हम नियम बना करके सुबह शाम कुछ समय निकाल करके नियम चालू करें। ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, बचपन से न जाने कितनी बार सत्संग सुने, संतों के दर्शन किए, ग्रंथ पढ़े, प्रयोग नहीं किए। वही तमाकू बीड़ी चल रही है, वही गाली गुफ्तार चल रहा है, वही राग द्वेष घर में चल रहा है, वही चिंता फिक्र में पड़े हैं, कैसे लाभ मिलेगा? जीवन का अंतिमी पड़ाव आ गया है। इसलिए हम सबको काम में लगना है, बिना लगे काम नहीं होगा। सदगुरु कबीर का ये उद्देश्य है, करनी करो, वो मेरा पुत्र है जो करता है, कहना भी है, फिर उस ज्ञान का प्रयोग करना है, वो कहना है लोगों में, इससे अच्छा काम होगा, सबको लाभ मिलेगा। रहना है उसी में, रात दिन उसी में रहो, इसी के लिए जीवन है। कथनी करनी रहनी हमारे जीवन में आ जाएगी, जीवन सुवासित होगा, सुगंधित होगा और सार्थक होगा। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को मैं ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।